नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ साक्षी तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। पानीपत में नई थम रही चोरी व चैन स्नैचिंग की वारदात। पानीपत की देवी मूर्ति कॉलोनी से शाम के समय एक महिला से चोरों द्वारा गले की चैन छीनने का मामला आया सामने। पानीपत में किसान और जवान आमने सामने। अरे किसानों ने कहा, जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे किसान। समालखा में रेलवे रोड से लेकर बस स्टैंड तक पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा हटवाया गया अतिक्रमण। समालखा पुलिस ने दुकानदारों के नहीं मानने पर दबाकर काटे चालान। समालखा के सब्जी मंडी पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला। चौटाला ने कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को किया संबोधित। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि आने वाली सरकार होगी चौटाला की सरकार। समालखा जिला मंडी एसोसिएशन की ओर से मीटिंग का किया गया आयोजन। मीटिंग जिला प्रधान धर्मवीर मलिक की अध्यक्षता में की गई। आढ़तियों ने सरकार द्वारा महंगाई व किसानों की पेमेंट न करने को लेकर किया रोष प्रकट। सरकार के खिलाफ दुकानों के आगे काले झंडे लगाने का किया आह्वान। आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। समालखा के सब्जी मंडी पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला। आपको बता दें कि वहां पर अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार चौटाला की होगी। महंगाई, किसानों व बिजली बिल तथा अन्य मुद्दों पर उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आम जनता भी सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि तीन काले कानूनों को सरकार आने पर रद्द किया जाएगा। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह अंग्रेज भारत छोड़कर भागे थे, ठीक उसी तरह से बीजेपी सरकार जाने वाली है। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं से पोर्टिको पर उठाने का कार्य करने के लिए कहा। वही इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं। कर्मचारी परेशान है, व्यापारी परेशान जी, मजदूर परेशान है, छोटा दुकानदार तो लूट गया। किसान जो है तीन कृषि के ऐसे काले कानून बना दिए, उसकी वजह से पिछले 8 महीने से लाखों की संख्या में बॉर्डर पे बैठ के आंदोलन कर रहे जी। केवल बॉर्डर पे बैठ के आंदोलन नहीं, हर प्रदेश में अपने अपने तरीके से किसान इन कृषि के काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब केरला का किसान दिल्ली तक आए उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वो केरला में रह करके विरोध कर रहे हैं। महंगाई तो आसमान को छू रही है, हर चीज़ महंगी होगी जी। केवल डीजल पेट्रोल नहीं, आज दालें महंगी होगी, तेल महंगा हो गया, दूसरा जो खाद्य तेल उसकी कीमत बढ़ गई। किसान को तो ये कहते हैं तुम्हारी सरसों के दाम बढ़ा दिए जी, लेकिन जिस गरीब आदमी को ये कह रहे थे कि हम सब्सिडी पे उसको खाद्य पदार्थ कम दाम में दें, सब्सिडी खत्म करके उसको भी लूटते हैं। कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने पुरजोर कोशिश करने का आश्वासन दिया है। वहीं इस मौके पर समालखा के कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। अब दुकानों के आगे रेहड़ी चालकों ने रेहड़ी लगाई तो हो सकता है सामान जब्त। दरअसल समालखा रेलवे रोड से लेकर बस अड्डे तक पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण को हटवाया गया। बार बार मना करने और नहीं मानने पर दुकानदारों के चालान काटे गए। सिटी पुलिस व नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा जोर देकर हिदायत दी थी कि जितनी भी रेडी दुकानों के आगे लगी हुई है सभी के पुल के नीचे जाने के आदेश दिए गए हैं। वही सिटी ट्रैफिक इंचार्ज राजेश राठी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। अतिक्रमण के दौरान 12 चालान किए हैं और हमने एक
पहले भी हम कई बार आपके चैनल के माध्यम से दुकानदारों को कह चुके हैं, जो दुकानदार दुकान के बाहर जो रेड लगवाते हैं उनसे पैसे लेते हैं, इससे भी ज़्यादा अतिक्रमण है। उसको आज हमने कड़ी चेतावनी दी है, आइंदा जिसके बाहर रेड लगी हुई मिली और वो उससे पैसे लेता हुआ मिला तो उसके दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सेक्रेटरी साहब हमारे साथ, नगर निगम हमारे साथ मजे टीम उनकी सभी किसी भी चलान करने के लिए। वहीं नगर पालिका के सेक्रेटरी मनीष शर्मा ने कहा कि जो ऐसा नहीं करेगा उसकी रेडी जब्त कर ली जाएगी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। ट्रैफिक इंचार्ज के साथ हमारे टीम गठित करके रेलवे रोड पे अतिक्रमण को हटाने वाली कार्रवाई की गई है। इसमें हमारे द्वारा 12 चालान किए गए। कितने रिकॉर्ड हुए इसमें? 2500 के लगभग रिकॉर्ड हुए। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम एक दिन छोड़ के एक दिन चलता रहेगा। और मैं इसके साथ साथ ये भी जो मेरा संज्ञान में आया है कि जो दुकानदार हैं जो रेलवे रोड पे, ये जो इनके आगे रेडी लगाते हैं इनसे पैसे लेते हैं, तो अगली बार कार्रवाई सीधी दुकानदारों पे होगी ताकि रेडी वालों को अपनी दुकान के आगे लगानी ना। वहीं उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार SDM समालखा विजेंद्र हुड्डा ने मीटिंग ली थी। मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि सभी रेडियो को बाजार से हटवाकर पुल के नीचे शिफ्ट किया जाएगा। सिटी ट्रैफिक इंचार्ज राजेश राठी ने रेडी वालों से सख्ती से पेश आकर उनको पुल के नीचे शिफ्ट होने के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस द्वारा शहर में अतिक्रमण पूरे जोरों पर है। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। समालखा जिला मंडी एसोसिएशन की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग जिला प्रधान धर्मवीर मलिक की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सभी मंडियों के प्रधानों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से जिला कमेटी बनाई गई। मीटिंग के दौरान आढ़तियों ने सरकार द्वारा महंगाई व कमीशन और कुछ किसानों के पेमेंट न होने के कारण रोष प्रकट किया। सरकार के खिलाफ दुकानों के आगे आढ़तियों द्वारा काले झंडे लगाने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वह प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मौके पर जिला आढ़ती एसोसिएशन के वाइस प्रधान धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। हमारा मेन इशू था, हमारा जो स्टेट आढ़ती एसोसिएशन है उसके आह्वान पर आज ये हुआ था कि जिले की मीटिंग की जाए और जिले में क्या क्या समस्याएँ हैं उसके बारे में विचार किया जाए। मेन था हमारा सरकार के साथ, हमने क्या नाम है, सरकार के साथ हमने जो ये विरोध करना उसको किस तरीके से करें। तो हमारा, मैंने अपना ये सुझाव दिया था कि काले झंडे लगाएंगे हम पूरे सभी मंडी हरियाणा के अंदर। अभी नहीं लगाने हमने, आज हमने जिले से पास करा, इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट से पास होगा जी। और कल बैनर लगाएंगे और उसके अंदर झंडे बैनर लगा के अपना विरोध प्रदर्शन करके काम करेंगे। जो बैनर हमारी जो आड़त थी इसको 2.5% थी हमारी, उसको घटा रहे हैं लगभग 46 रुपये के हिसाब से हमारे को आड़त दे रहे हैं, जो कि हमारी बनती 49.5 रुपये। और इसकी तरह हमारे कई समस्याएं हैं इस तरह, जिस तरह क्या नाम हमारा ब्याज है, 2-3 साल का ब्याज रहता है लगभग 100 करोड़ रुपये करीब ब्याज हमारा हरियाणा का, वो ब्याज नहीं हमारा दे रही सरकार। वहीं समालखा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान बलजीत ने जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग में उन्होंने शहर की कई समस्याओं को लेकर चर्चा करी और उन्होंने बताया कि इस मीटिंग का मेन उद्देश्य यह था कि सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन वे करने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया था। वहीं उन्होंने इस मीटिंग से जुड़ी कुछ खास जानकारी हमें बताई, वह भी हम आपको सुनाते हैं। जैसे कुछ तो इंटरेस्ट का मुद्दा पिछले साल का पड़ा, बाकी सरकार ने काट दिया है, वो दिया नहीं। फायदा में जो 2.5% थी वो 3 रुपये 2.5 रुपये काट के दिए। नो पार्टी जब के वाई पर लिखित में बात आई, मैं 2.5% मिलेगी उनको, 3 रुपये 2.5 रुपये काट के दिए। करीब वो 35 करोड़ रुपये मिलता है तो इसका, इसके लिए जैसे आपके 35 करोड़ रुपये प्रदेश में पकाया सरकार पर, तो आप क्या चाहते हैं, आप सरकार से भी कैसे मिले वापिस, अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे सरकार? देनी चाहिए 3 रुपये 2.5 रुपये तो बांट रखती है, अगर ना मिले तो आगे क्या होगा? हम अपने वो करेंगे, सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करेंगे, बड़े झंडे लगाऊंगे अपनी दुकानों पर। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में मिलेंगे फिर और कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।
अपना काम किया, उसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।